बिलासपुर में सोमवार की रात सिविल लाइन थाने के सामने हुए गैंगवार और मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट हाथापाई कर लात घूंसे चलाते नजर आ रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी पुलिस सब कुछ देखती रही। हालांकि बाद में दोनों पक्षों की भीड़ जुटने के बाद पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की। दो पक्षों के बीच हुए इस गैंगवार के बाद FIR को लेकर ड्रामा भी चलता रहा। आखिरकार पुलिस ने एक पक्ष को रिपोर्ट पर केस दर्ज किया है, जबकि दूसरे पक्ष का आरोप है कि उनकी सुनी नहीं गई है। इससे पहले भी सिविल लाइन क्षेत्र में गैंगवार के चलते हत्या हुई थी। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम इमलीपारा निवासी संतोष गर्ग और शुभम सोनी के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। फिर दोनों पक्ष अपनी शिकायत लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग बाहर हंगामा मचाने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे। थाने के सामने हुई इस घटना को पुलिसकर्मी देख रहे थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। बाद में थाने से पुलिसकर्मी बाहर निकले और भीड़ को हटाने में जुट गए। यही वजह है कि पुलिस ने एक पक्ष से संतोष गर्ग की रिपोर्ट पर शुभम सोनी के खिलाफ धारा 507 के तहत केस दर्ज किया है, जबकि दूसरे पक्ष की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।